सो चले पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। हूं रूपेश चावड़ा और आज मैं आया हूं यहां पे वेरावल में। ये पार्ट टू है, पहला सोमनाथ का था, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये वेरावल वाला है। ठीक है, वेरावल में मैं आपको दिखाने वाला हूं पोर्ट यहां का कैसा है, कितनी बोटें हैं यहां पे और क्या क्या सामान आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतनी सारी बोटें ना, मतलब जहां तक नजर जा रही है वहां तक बोट है। दिखाते थोड़ा जूम करके, वहां पे देखो पूरा पोर्ट एरिया है और हर जगह बोट ही बोट है। यहाँ पे मैं बीड़िया जगह पे हूँ और जो कि आया है वेरावल बंदर पे। इतना सारा बोट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो बोट में से फिश निकाला जा रहा है यहाँ से, जैसे कि ये छोटे से कंटेनर में आता है फिश यहाँ से। और ये भैया देखना, अभी यहाँ से पूरा रोप से वहाँ पे खींच से लाए, इसमें पूरा रहता है फिश जो कि स्टोरेज रहता है बोट के अंदर, और लेके जाएंगे इसको। तो यहाँ पे इसमें सारे केकड़े भी रहते हैं, मछलियाँ भी रहती है, बहुत सारी चीज़ रहती है वैसे इसमें। और ऐसे उछाल रहे हैं देखो, और ऐसे डालते हैं इसमें। ठीक है, देखो ये बल्क के अंदर रहता है सारा, इसमें केकड़ा भी रहता है, मछलियां भी रहती है, बहुत सारी चीज रहती है वैसे इसमें। पंद्रह बीस दिन में एक महीने के लिए जाता है। अच्छा, उसमें मछली का स्टोरेज कितना टन रहता है? इसमें 20 टन 25 टन। अच्छा, उतना सारा मछली रहता है इसमें? तो जैसे कि भैया बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना सारा प्रजाति का मछली है मेरे सामने यहाँ पे। ये सारा मतलब मरा हुआ मछली है, जिंदा मछली नहीं है। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी ईल टाइप की भी मछलियाँ, वैसे ईल नहीं है। जैसे कि ये देखो बॉक्स डालते हैं पूरा, तो ऐसे ही बड़े बड़े कार्टून रहते हैं, वहाँ से बोटे भर भर के यहाँ से सामान निकलता है। और 20-25 टन का भैया बोल रहे थे, उतना सामान निकलता है अंदर, उतना मछली रहता है। 15-20 दिन तक जाता है बोट और फिशिंग करता है, और फिशिंग का सारा सामान लेके यहाँ पे आता है, फिर ये बाजार में जाता है बिकने के लिए। इनका फिशिंग करके आता है, उसमें लास्ट दिन का होगा ना वो निकाल देता है। फ्रेश मछली तो कोई उसकी गिनती नहीं है, कितनी टाइप की आती है मछली। ये वाला पूरा पोर्ट का एरिया है, सामने की तरफ सोमनाथ मंदिर, किधर का सामने की तरफ सोमनाथ मंदिर है, और फिर यहाँ से पूरा पोर्ट एरिया है। ये पूरा का पूरा ना, जैसे कि देखो आप, ये जैसे कि मैं छकड़े पे खड़ा हूँ यहाँ पे, छकड़े बोलते हैं इसको, और यहाँ पे पूरा फिश यहाँ पे लादा हुआ है। मतलब यहाँ पे हवा है बहुत खारी वाली वैसी लगती है, मेरा बोट बहुत सूख गया वैसे। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ इस ब्लॉक्स पे, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो हरा समंदर पूरा का पूरा, वहाँ दूर तक बोट आ रही है, देखो वहाँ से बोट आ रही है, ये बोट आ रही है यहाँ पे सामान ले लेके। बहुत बड़ा पोर्ट है वैसे सोमनाथ आ रहे, तो वेरावल का ये पोर्ट विजिट करना तो मस्ट है अगर आपको पसंद आ रहा है। मतलब सूखा मच्छी नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, फ्रेश मच्छी रहता है वैसे, मच्छी का ज़्यादा हो गया। ये चकड़ा ऐसे चालू कर रही है, देखना ये हो गया, ठीक है। और वो सूख पूरा का पूरा मच्छी वाला सामान भर के अब जाएंगे भैया, ठीक है, चलो ये तो गए, ठीक है, अब ये गए, उनके बाद इनका लाली लगेगा, ये चकड़ा लगेगा, ये चकड़ा बोलते हैं। जैसे आपको दिखाया कि मछलियों को कैसे यहाँ पे लोड किया जाता है इस बंदर पे, हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जैसे कि बर्फ देखते हो आप, मछलियों के साथ बर्फ भी आता है डब्बे में, ठीक है, वो डब्बे का बर्फ बोट में भी रहता है। अब बोट में कैसे चला जाता है वो आपको दिखाएंगे, चलो हमारे लिए भी पहली बार होगा ये। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बर्फ कैसे लगता है इसमें, तो वो मैं दिखाऊंगा। तो मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से यहाँ पे लगता है पूरा का पूरा बर्फ, और वहाँ पे बर्फ के स्लैब को क्रश किया जाता है, उसको ये जो लिफाफा मतलब आप कपड़ा देख रहे हो उसकी मदद से यहाँ पे बोट के अंदर डालते हैं। और यहाँ पे देखो भैया अंदर काम कर रहे हैं, वो देखो इनके सांसें की देखो धुआं छोड़ रही है, मतलब कितना ठंडा होगा यहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जगह ठंडा रहता है हाईली। और यहाँ पे अंदर भैया बर्फ लगा रहे, देखो यहाँ पे अंदर बर्फ लगा दे रहे हैं, और इस तरीके से तो बहुत ही मतलब अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो ये पहली बार सब देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है, मैं देखना चाहूंगा भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो फिश निकाली जा रही है अंदर से बाहर, और ऐसे निकालते देखो, ऐसे बड़ा सा क्यूब रहता है, उसके अंदर फिश के ऐसे बड़े बड़े ऐसे बक्से भरे हुए हैं, और वो बक्से देखो खींच के निकाल रहे हैं ये लोग।
ठीक है ऐसा भाई दंग रह गए ये सब देख के। ये सब देखो ऐसे फिश निकाल रहे हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा और छकड़े जा रहे हैं, छकड़ों में लोड किया जाएगा। प्रोसेस देख रहे हो वेरावल पोर्ट का पूरा है, ओनली ऑन रूपेश ट्रैवल व्लॉग्स। देखो कितनी सारी बोट है यहाँ पे वेरावल पोर्ट पे और बहुत सारे मतलब सामान यहाँ पे लोड किए जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर फिशिंग का काम होता है और यहाँ पे सारी की सारी 150 से ज़्यादा बोटें होगी, 150 तो गिन ही लो, 150 से ज़्यादा बोटें होगी यहाँ पे। सबका काम फिशिंग का रहता है और सारा का सारा यहाँ पे देखो कितना दूर दूर तक, कितना जहाँ तक नजर जा रही है, जहाँ तक नजर जा रही है उधर देखो, जहाँ तक नजर जा रही है अगर बताए नोली बाजू, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक बोट ही बोट दिख रही है। हम यहाँ पे इतनी सारी बोटें देखकर मैं तो दंग ही रह चुका कि कितना सारा सामान, कितने सारे लोग यहाँ पे काम करते होंगे, कितनी सारी बोटें भाई, कितनी बोट खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी सारी बोट है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ा बंदर है यहाँ से वेरावल का, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बोटें रहती है। मुझे लगा चलो बोटें काम करती है तो इसकी मशीनरी पे डीजल तो खर्चा होता ही होगा, तो मैंने सोचा कि मतलब मैंने सुना भी था कि डीजल का रेट यहाँ पे कम चलता है। अब जब मैंने भैया से पूछा तो बोल रहे कि नहीं यहाँ पे तो जो 81 रुपीज़ जो चल रहा है डीजल का वही सेम रेट है। मतलब मुझे लगा था पहले कि सस्ता की ड्यूटी फ्री हो सकता है लेकिन यहाँ पे तो सेम रेट लगता है, ठीक है डीजल का। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डीजल सस्ता होगा ये लोग सस्ते में लगा रहे होंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, डीजल का यहाँ पे भी सेम रेट लगता है। आपको मैंने बताया कि बोट कैसे फिलअप होती है, कैसे वो सामान लाते हैं, सब कुछ दिखाया और बोट बनती कैसे है अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे वेरावल पोर्ट पे बहुत बड़ा सा स्टेशन है बोट बनाने का, रिपेयरिंग का, हर एक चीज़ का स्टेशन है यहाँ पे। अगर आप आते हो तो मतलब फिशिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ वेरावल पोर्ट का थोड़ा सा यहाँ पे बोट मेकिंग कैसे होता है और रिपेयरिंग काम कैसा रहता है। ये देखिए बड़ा सा बोट यहाँ पे बन रहा है और हम जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ये बड़े से बोट के अंदर। तो यहाँ पे सीढ़ी लगा है इनका और सीढ़ी में चल रहा हूँ जो कि जाता है बोट पे और मैं यहाँ पे बोट मेकिंग दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है दिखाता हूँ यहाँ पे बोट कैसे बनता है। देखो तो ये पूरा का पूरा बोट बनता है यहाँ पे फाइबर से बनता है, रेड वाला जो आपको पूरा सर्फेस दिख रहा है वो पेंट हुआ हुआ फाइबर है, ठीक है यहाँ पे दिखा दे, देखो रेशा रेशा है पूरा फाइबर, इसके ऊपर कोटिंग करके इसको लेयरिंग करके करके इतना बड़ा बनाया जाता है। भैया यहाँ पे देखो काम कर रहे हैं, हाँ ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हो ना, हाँ वही बता रहे हम कि ये वाला लकड़ा पोर्शन है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है वो पूरा फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है वेरावल पोर्ट पे, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे बन रहा है एक बोट, ठीक है उसके आगे बोट बन रहा है, तो हर जगह बोट का पूरा प्रोसेस लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरावल का पोर्ट हमने दिखाया पूरा का पूरा आपको, कैसे बोट मेकिंग होता है, कैसे उसमें सामान लगाते हैं, कैसे मच्छी पकड़ते वो लोग, क्या नेट वेट का रहता है, सारा का सारा हमने आपको दिखाया। तो यही था इस वेरावल के वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, कल के दिन हम एक नई जगह जा रहे हैं, नया धमाका होगा, नई जगह होगी, बहुत मजा आएगा। तो आज के वीडियो को यही हम एंड करते हैं, तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाएगा नहीं, ठीक है चलिए फिर चलते हैं।